TIT Computer Institute, Digital Information Technology, Digital Information Technology, यानी भारतीय कंप्यूटर साक्षर मिशन से जुड़े और इसके लिए है आपके भागलपुर शहर में TIT Computer। जी हाँ दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं, DIT आपको देता है कंप्यूटर के मामले में 100% बेटर एजुकेशन और जिसके तहत आप कोर्स कर सकते हैं जैसे DCA, DTP, टेली, CCA, ADCA, DHT, C++, PGDCA, जावा, HTML और HDCA इत्यादि। DIT जो एक ब्रांच के साथ उपस्थित है। जी हाँ प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपके अपने भागलपुर में कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के मामले में नंबर 1 पायदान पर परचम लहराने वाला एकमात्र कंप्यूटर शिक्षण संस्थान DIT कंप्यूटर, भारतीय कंप्यूटर साक्षर मिशन से जुड़े और इसके लिए भागलपुर शहर में है ना आपका अपना DIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। नामांकन चलिए आज आप लोग का चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 1 का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप सब देख लीजिएगा। आज जो क्लासेस है ये आपका सेट नंबर 2 का है, ये आप लोग का किसका है, सेट नंबर 2 का, और आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 में क्या है। सेट नंबर 1 का वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लासेस वो सेट नंबर 2 की वीडियो है, ठीक है। चलिए आज सेट नंबर 2 का आप लोग सबका एग्जाम तो हो गया तो देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए आ गया है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर ए स्प्रीड शीट प्रोग्राम इज, आपका स्प्रीड शीट जो प्रोग्राम होता है वो कौन सा प्रोग्राम आपको बताना है, स्प्रीड शीट वो आपका कौन सा प्रोग्राम है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, सबसे ए वर्ड, बी एक्सेल, सी पावर पॉइंट और डी जो है नोटपैड। तो आप बताइए स्प्रीड शीट जो देख रहे हैं ये आपका कौन सा प्रोग्राम है, या वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या नोटपैड है, तो कौन सा है बताइए आंसर। एक का जो होगा आपका वो आंसर हो जाएगा स्प्रीड शीट जो प्रोग्राम होता है वो हम एक्सेल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एक्सेल को। तो एक का जो आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस पर, अगला क्वेश्चंस आपका है टू नंबर क्वेश्चंस कह रहा आपका द फॉन्ट साइज बटन इज प्रेजेंट इन, यानी कहने का मतलब आपका द फॉन्ट साइज यानी कि फॉन्ट साइज बटन जो होता है आपका वो प्रेजेंट रहता है, कहता है कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फॉन्ट साइज का जो बटन होता है आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में टाइप किए, अब टाइप किए तो जो उसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, तो वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो बटन वो बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने देखिएगा, ए नंबर कह रहा है आपका इंसर्ट टैब, बी नंबर कह रहा है आपका होम टैब और सी नंबर कह रहा है आपका डाटा टैब और डी नंबर लेआउट टैब। तो बताइए आप लोग का कि भाई फॉन्ट साइज का बटन आपका किस टाइप पर उपस्थित रहता है, किस टाइप पर प्रेजेंट रहता है बताइए। दो का आंसर कौन सा होगा वो बताइए, दो नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका यानी कि फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए वो जो प्रेजेंट रहता है फॉन्ट साइज आपका होम टैब पे रहता है, यानी कि दो का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग थ्री नंबर क्वेश्चन आपका है द शॉर्टकट की टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड फाइल इज, यानी कह रहा है कि आप ऐसा शॉर्टकट की का नाम बताना है जो ओपन एन ऑलरेडी सेव फाइल इज, यानी कहता है कि भाई आप जो सेव करके रखे हैं
जो डॉक्यूमेंट में जो सेव करके रखे डॉक्यूमेंट को उसको ओपन करना है। तो ओपन करने का शॉर्टकट की तरीका आपको बताना है कि शॉर्टकट तरीका से कैसे ओपन करेंगे वो बताना है। आप जिस नाम से साइ फाइल को सेव किए अब उसको ओपन करते थे तो ओपन करना है तो भाई हमको शॉर्टकट की तरीका से ओपन करना है। तो उसका शॉर्टकट की क्या है तो ऑप्शन आपका तीन नंबर का देखिएगा दिया होगा। तीन नंबर का सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका अल्ट प्लस ओ, बी नंबर कंट्रोल के साथ एन और सी नंबर कंट्रोल के साथ ओ और डी नंबर क्या कर रहा है कंट्रोल के साथ एच। तो आप बताइए आपका शॉर्टकट की आपको बताना है ओपन का शॉर्टकट क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो इसका जो शॉर्टकट की थ्री नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ ओ, यानी कि शॉर्टकट की क्या होता है अगर कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करते हैं एक ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो पूछेगा कि भाई आप किस नाम से सेव किए उसको ओपन करिए। तो जिस नाम से आप सेव किए होंगे उस पर क्लिक करिएगा माउस से ओपन करेगा ओपन हो जाएगा ठीक है। तो उसका कोई भी पूछेगा कि भाई आप सेव किए हुए हैं तो उसको ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है तो आपको बताना है कंट्रोल के साथ ओ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका फोर नंबर क्वेश्चन कहता है आपका विंडो वॉच फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विंडो वॉच कहने का विंडो का जो होता है फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ तो वो बताना है। तो सबसे पहला दिया 1970, 1980, 1985, 1990। तो आप बताइए विंडो का इंट्रोड्यूस जो हुआ तो वो कब हुआ था बताइए। इसका आंसर कितना नंबर होगा चार का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि विंडो का जो इंट्रोड्यूस सबसे पहले जो बना था 1980 में बना था ठीक है। इंट्रोड्यूस कभी भी कोई आपसे पूछे तो बताइए 1980। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कितना है। अगला आपका फाइव नंबर है ठीक है ध्यान दीजिएगा। अगला आपका फाइव नंबर है। फाइव नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कंट्रोल के साथ ESC यानी कंट्रोल के साथ अगर कीबोर्ड से ESC बटन जो कि एस्केप की आप देखिए कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड आपके ESC बटन होगा ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर ESC बटन अगर प्रेस करते हैं की तो वो आपका यूज किसके लिए होता है। ऑप्शन आपके सामने है। एक नंबर कह रहा है स्टार्ट, बी नंबर आपका कह रहा है बी नंबर आपका ओपन, सी नंबर आपका कह रहा है न्यू बटन। तो आपको बताना है तो ऑप्शन आंसर आ गया ना है कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ऑप्शंस आपको बताना कंट्रोल के साथ एस्केप की अगर आप प्रेस करते हैं तो उसको कौन सा बटन होता है स्टार्ट बटन। अगर कंट्रोल के साथ अगर एस्केप की बटन अगर प्रेस करिएगा की तो आपका स्टार्ट बटन पर आपकी जो भी क्लिक करते जो भी ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट बटन का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल के साथ एस्केप की ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे अब आपका है सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर अल्ट के साथ F4 इज ए शॉर्टकट की यूज टू डाइस द साइज ऑफ विंडो। कह रहा है कि अल्ट के साथ F4 अगर हम प्रेस करते हैं विंडो अगर कोई भी विंडो स्क्रीन पर खुला हुआ है तो वो विंडो को क्लोज करने के लिए हमको कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यानी कि वो पूछ रहा है। तो शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है आपका अल्ट के साथ F4। अल्ट के साथ F4 अगर हम प्रेस करते हैं तो वो विंडो वहाँ पर क्या होगा वो बताने के लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर सिक्स का। ए नंबर मिनिमाइज, बी नंबर मैक्सिमाइज, सी नंबर क्लोज। तो आप बताइए आपके अगर स्क्रीन पर अगर दिया हुआ है विंडो खुला हुआ है तो हम अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं शॉर्टकट की तो मेरा क्या होगा विंडो वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सिक्स का आपका सी नंबर। सिक्स का कितना नंबर सी नंबर, वो विंडो क्या होता है आपका क्लोज होता है। अब चलते हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको इसमें से बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इसमें से कौन सा आपका नहीं है वो बताना है। सात का ए नंबर बेसिक करा है, बी कोल, सी करा असेंबली लैंग्वेज और डी करा जावा। तो बताइए इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज आपका कौन सा नहीं है जल्दी जल्दी आप लोग बताइए सोचिए जल्दी। सात का आंसर कितना होगा सात का जो आंसर हो जाएगा आपका असेंबली लैंग्वेज। वो क्या है आपका जो देख रहे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है बेसिक है कोबोल है जावा है लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं आपका सात नंबर तक सबका ठीक ठाक है। चलिए आठ नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। आठ नंबर का क्वेश्चंस आपका कह रहा है यहाँ पर विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इंस्ट्रक्शन इन द फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 0s और 0s01 यानी कि आपको कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है 0 और 1 जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है
वो आपका कौन सा लैंग्वेज को वो निर्देश करता है, कौन सा लैंग्वेज को बताता है वो बताना है। तो एट का ऑप्शन आपके सामने है असेंबली लैंग्वेज, बी नंबर कर रहा है मशीनी लैंग्वेज, सी नंबर कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा लैंग्वेज है, ऑप्शन आ गया था। चलिए एट का बताइए कौन सा होगा। हाँ, जीरो और वन जो देखते हैं ये कंप्यूटर का भाषा, कंप्यूटर जो समझता है जीरो और वन में, तो वो कौन सा लैंग्वेज है आपका, जीरो वन मशीनी लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है मशीन, कोई भी पूछेगा आपका बताइए कंप्यूटर जो आपका लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज है, आपका मशीनी लैंग्वेज है। ठीक है, एट का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब नाइन्थ का देखते हैं, नाइन क्वेश्चंस आपके सामने कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से आपको बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा आपका है। ए नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कह रहा है कंपाइलर, सी नंबर ए बोथ एंड बी। तो आप बताइए इसमें से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है नाइन का। नाइन का जो आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर दोनों है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा बोथ, यानी कि बोथ एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंपाइलर दोनों है, इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दोनों है, इसीलिए आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइन का सी नंबर, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे अब कह रहा है आपका टेन नंबर, टेन नंबर क्वेश्चन आपका है व्हाट सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर इज द आईबीएम इंटरप्राइजेस। कह रहा है कि भाई आपका कंप्यूटर आईबीएम का इंटरप्राइजेस, आपका कंप्यूटर का आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या क्या दिया ऑप्शंस, ऑप्शन ए नंबर माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो आपको बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा टेन का, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर इज द आईबीएम इंटरप्राइजेस, यानी कि आईबीएम का इंटरप्राइजेस का जो कंप्यूटर वो कौन सा है वो बताना है। मिनी फ्रेम कंप्यूटर आपका आईबीएम कंप्यूटर, आईबीएम कंपनी का आता है मिनी फ्रेम, इसका आंसर हो जाएगा टेन का आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आपका अलेवन नंबर, अलेवन नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर ए डिवाइस यूज टू ट्रैक द आउटपुट ऑन पेपर। कहने का मतलब आपका डिवाइस यानी कि किस डिवाइस का यूज करते हैं हम टेक द आउटपुट ऑन पेपर, यानी कि आउटपुट के रूप में उसको हम देखने के लिए पेपर के पर देखने के लिए किस डिवाइस का करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस है ए नंबर प्रिंटर, बी नंबर दिया है मॉनिटर, सी नंबर आपका जॉयस्टिक, डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो आप बताइए ए डिवाइस यूज टू टैग द आउटपुट ऑन पेपर, यानी कि हम किस डिवाइस का यूज करेंगे आउटपुट के रूप में देखने के लिए, किस पेपर पर देख सकते हैं, अगर आउटपुट के रूप में हमको देखना है तो किस पेपर पर देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं उस डिवाइस को, प्रिंटर या मॉनिटर या आप जॉयस्टिक, नन ऑफ दिस। क्या होता है इसका आंसर बताइए, 11 नंबर का आंसर क्या होगा, किस डिवाइस का यूज करेंगे आउटपुट के रूप में हमको देखने के लिए, किस पेपर पर, पेपर पर अगर देखना होगा क्या करेंगे, मॉनिटर पर तो नहीं देख सकते हैं, मॉनिटर पर जो भी देखते हैं वो आपका कहलाता है क्या कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। अगर उसी सॉफ्ट कॉपी को देखना हो तो आप क्या करते हैं प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके निकालते हैं, वो आपका हार्ड कॉपी कराता है, उसी हार्ड कॉपी को क्या कर सकते हैं आप वो आउटपुट को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं पेपर पर, वो प्रिंटर जो प्रिंट करके देता है। ठीक है, 11 का आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रिंटर, प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है इसी का यूज करते हैं हम आउटपुट ऑन पेपर, पेपर का आउटपुट के रूप में वो पेपर पर देखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आपका 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर एन इनपुट डिवाइस इज यूज टू टेक वीडियो विद साउंड एंड स्टिल फोटोग्राफी। तो आपको बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस इसमें से है जो कि हम वीडियो विद साउंड एंड स्टिल फोटोग्राफी का यूज करने के लिए। तो ऑप्शन है ए नंबर स्कैनर, बी नंबर प्रिंटर, सी नंबर डिजिटल कैमरा और डी नंबर नन ऑफ दिस। तो बताइए आपका कौन सा डिवाइस है इसमें से इनपुट डिवाइस, ताकि हम क्या कर सकते हैं वीडियो या साउंड या फोटोग्राफी के लिए हम यूज करते हैं। स्कैनर तो आपका नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से आप क्या कर सकते हैं वीडियो भी बना सकते हैं, फोटोग्राफी भी खींच सकते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस भी है। इसीलिए 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक अगर हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं, 12 नंबर तक कंप्लीट है, अब आगे चलते 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यहां पर कि विच ऑफ दिज इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। कह रहा है
कि आपका इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा आपका है वो बताना है, पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताना है, इसमें से आपका कौन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए आपको देखना है, ए नंबर माउस, बी नंबर कह रहा है कीबोर्ड, सी नंबर मॉनिटर, और डी नंबर क्या कह रहा है आपका प्रिंटर। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, सोचिए आप लोग कौन सा इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस है, मॉनिटर है, माउस है पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो बताइए इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, या माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कौन सा है बताइए जल्दी। 13 नंबर का जो आंसर्स आपका हो जाएगा, यानी कि माउस, माउस जो था आपका इनपुट डिवाइस भी है, उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं माउस को। माउस अगर पूछेगा पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, तो आप माउस को भी बोल सकते हैं एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलते हैं अब आगे 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चंस आपका देखिएगा क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चंस आपका कह रहा है, इट रीड एंड स्कैन टेक्स्ट एंड पिक्चर्स डायरेक्टली इनटू ए कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में कह रहा है, जो रीड करते हैं या हम स्कैन करते किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पिक्चर को जो हम रीड करते हैं, जो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, तो वो किसके मदद से कंप्यूटर सिस्टम में हम पिक्चर को स्कैन करते हैं, टेक्स्ट को स्कैन करते हैं, तो किसके मदद से हम स्कैन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, ए नंबर स्कैनर, बी नंबर मॉनिटर, सी नंबर कह रहा है प्रिंटर, और डी नंबर कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो बताइए 14 का जो आंसर आपका कितना नंबर होगा, किसके मदद से आप स्कैन करते हैं टेक्स्ट को, पिक्चर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में, टेक्स्ट जैसे आप सिग्नेचर करते हैं तो कंप्यूटर में देखिएगा वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो कैसे स्कैन करता है, वो पिक्चर को स्कैन करता है, कैसे स्कैन करता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो बताना है। जो वो स्कैन करता है किसके मदद से, स्कैनर के मदद से, यानी कि 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि वो क्या होता है, स्कैनर के मदद से आप क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे आपका 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ दिज इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका इसमें से बताना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ए नंबर कह रहा है एमएस वर्ड, विंडो 7, विंडो मीडिया प्लेयर, और सी नंबर कह रहा है रीडर, राइट। तो आपका इसमें से बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये तो एमएस वर्ड भी नहीं है, ठीक है, ये है विंडो 7 आपका, क्या है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 15 का बी नंबर आंसर होगा, यानी कि विंडो 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर अवेलेबल इन ए फंड ग्रुप, कह रहा है कि आपका इसमें से अवेलेबल फंड ग्रुप जो होता है आपका किसमें फंड ग्रुप अवेलेबल है। तो ऑप्शन आपका सामने है, वर्ल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इसमें से फंड ग्रुप कौन में है, आंसर्स आपका 16 कितना होगा। फंड ग्रुप जो होता है आपका कौन सा, बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक, कौन सा फंड ग्रुप के अंडर में रहता है, बोल्ड रहता है या इटैलिक रहता है या अंडरलाइन रहता है, कौन सा रहता है वो बता, डी नंबर का ऑल ऑफ दिस या टोटल, तो आपको बताना है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा फंड ग्रुप जो आपका बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि फंड ग्रुप आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि सब आपका फंड ग्रुप ही है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी सी एंड फील, कंप्यूटर किस पार्ट्स को आप सी मतलब फील, यानी कि सीमत देख सकते हैं और टच भी कर सकते, फील कर सकते, कौन सा पार्ट्स को कंप्यूटर का है। तो ऑप्शंस आपके सामने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइव वेयर, यानी कि माइंड वेयर। तो आप बताइए कौन सा पार्ट्स है कंप्यूटर का जो कि आप सी भी कर सकते और फील भी कर सकते, कौन सा पार्ट्स है इस तरह का। हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब ही होता है कंप्यूटर के कुछ ही पार्ट्स को टच करना, फील करना, सी करना, ठीक है। तो हार्डवेयर ही हो जाएगा, 17 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 18 नंबर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, या नहीं तो अगर कोई दिक्कत हो क्लास में आके पूछिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, कोई दिक्कत होगा फिर से बोल रहे हैं, बार बार वीडियो में बोल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो क्लास में भी आके पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कीबोर्ड इज एन डाइस डिवाइस, कीबोर्ड आपका कौन सा डिवाइस है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, ब्लैक, बी नंबर इनपुट, आउटपुट और आउटर। तो आप बताइए इसमें से कीबोर्ड आपका कौन सा डिवाइस है। कीबोर्ड आपका जो होता है इनपुट डिवाइस, यानी कि आपका 18 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड जो होता है आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे 19 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है आपका, द डाइस जनरेशन कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज इन साइज। कहने का मतलब कि कंप्यूटर जो किस जनरेशन में कंप्यूटर आया था, जो कि लार्ज मतलब बहुत बड़ा अधिक था, बहुत बड़ा था, कौन सा बहुत बड़ा कंप्यूटर जो आया था किस जनरेशन में आया था वो बताना है। तो ऑप्शंस आपके हैं सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो किस जनरेशन में आपका कंप्यूटर जो आया था वेरी लार्ज, बहुत बड़ा कंप्यूटर जो आया था किस जनरेशन में था, सोचिए। आप लोग को पढ़ाए होंगे किस जनरेशन में आपका कंप्यूटर बहुत बड़ा था, आंसर होगा फर्स्ट। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, क्योंकि भाई उसमें जो यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जो था वो कांच का बना हुआ था। वो कंप्यूटर जो था 10 टन वजन था, सोच सकते हैं वो उसका जो वो 10 टन था, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था बहुत बड़ा कंप्यूटर आया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था, वेरी लार्ज। ठीक है, 19 का आपका बी नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन का था, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डाइस। कह रहा है आपका कि द मेन कंपोनेंट्स, कौन सा कंपोनेंट्स का यूज किया गया था किसमें, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट्स का यूज किया गया था वो बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, वैक्यूम ट्यूब, दो नंबर कह रहा है ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट्स का यूज किया गया था वो आपको बताना है। आंसर जो आपका हो जाएगा 20 का आंसर आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे देखते हैं, अब 20 नंबर हो तो गया है, अब 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आया था वो कब आया था वो बताना है। एक नंबर कौन सा है, एनियक, ई डी एस एस सी, सी नंबर का था ई डी बी एस सी, तो इसमें से आपको बताना है। ओह, आंसर भी आ गया हो। हाँ, तो आप लोग का देखिए कह रहा है यहाँ पर, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आया था फर्स्ट जनरेशन में वो था एनियक, उसको बोलते हैं एनियक, एनियक कंप्यूटर। कौन सा, कोई भी पूछेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आया था कौन सा था, एनियक था। यानी कि 21 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन द डाइस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज किया गया था वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था वो बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर से पढ़ते हैं, ए माइक्रो प्रोसेसर जो था उसका यूज किया गया था इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर वो बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर फोर्थ, बी नंबर सेकेंड, सी नंबर थर्ड और डी नंबर फर्स्ट। तो बताइए किस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज किया गया था वो था आपका फोर्थ जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। यानी 22 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी कि कोई भी पूछेगा कि भाई आप बताइए कि माइक्रो प्रोसेसर जो यूज किया गया था किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था, आपका फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, चलते हैं अब आगे आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक कलेक्शन ऑफ 224 किलोबाइट इज कॉल्ड ए डाइस। 224 किलोबाइट इजकल टू कितना होता है, 224 किलो KB इजकल टू कितना होता है वो बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, किलोबाइट, बी नंबर मेगाबाइट, सी नंबर गीगाबाइट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। किसी में हुआ तीन ऑप्शन दिए ना, इसी कारण से यहाँ ऑप्शंस हम ज़्यादा यहाँ से क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाता है। चलिए बताइए आप लोग, 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 224 किलोबाइट इजकल टू कितना होता है
कितना होता है 1024 किलो बाइट इजकल टू 1024 KB यानी किलो बाइट इजकल टू 1 MB होता है, यानी कि 1 MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, यानी कि 1 MB होता है। 23 का आंसर बी नंबर 1 MB, 1024 KB इजकल टू 1 MB, ठीक है। चलते हैं अब आगे, आगे अब आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है द रैम एंड द रोम आर पार्ट्स ऑफ डाइस मेमोरी। रैम और रोम जो होता है वो कौन सा मेमोरी है वो बताना है। ए नंबर कह रहा है प्राइमरी, बी नंबर कह रहा है सेकेंडरी, सी नंबर कह रहा है बोथ एंड बी। तो बताइए रैम और रोम कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। सी नंबर कहता है बोथ एंड बी या दोनों है, कौन सा है बताइए। रैम और रोम कौन सा मेमोरी है, रैम और रोम वो कहता है आपका पार्ट्स ऑफ डाइस मेमोरी, मेमोरी का कौन सा मेमोरी है, कौन सा मेमोरी का पार्ट्स है वो बताना है। आपका प्राइमरी मेमोरी है, 24 का आंसर हो जाएगा एनमर। रैम और रोम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स का होता है, आपका रैम और रोम आता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपका देखते हैं कितना है 25 नंबर का आता है CD स्टैंडर्ड 4। कहने का मतलब CD का स्टैंडर्ड 4 यानी CD का फुल फॉर्म नेम क्या है, कॉम्पैक्ट ड्राइव या कहता है कनेक्ट डिस्क या C नंबर का है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपको बताना इसमें से कौन सा होता है सही बात। अरे आंसर आ गई, तो आपको बताइए CD जो होता है, CD का स्टैंडर्ड 4 जो होता है CD, ये इसका फुल फॉर्म नेम जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कोई भी पूछेगा CD का आपको फुल फॉर्म नेम यानी कि स्टैंडर्ड 4 क्या होता है, तो आपको बताना है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का था कंप्यूटर चिप आर मेड अप ऑफ। कंप्यूटर चिप जो होता है वो किसका बना होता है वो बताना, सिलिकॉन का या आपका मैग्नेट बिट्स, किसका बना रहता है आपका कंप्यूटर चिप बताइए, सिलिकॉन या मैग्नेट या बीट्स का, किसका बना हुआ रहता है कंप्यूटर चिप। कोई भी चिप अगर बना रहता है वो सिलिकॉन का बना रहता है, ठीक है। 26 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर चिप जो बना रहता है वो सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, ठीक है। कंप्यूटर चिप में वो जो देखते होंगे सिलिकॉन वो जो नहीं परत चढ़ा रहता है आपका, वो जो बना हुआ रहता है वो आपका सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, ठीक है। आपका आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कलेक्शन ऑफ 8 डाइस इज कॉल्ड बीट्स। कह रहा है कि 8 इजकल डाइस क्या यह फील होगा जो कि बाइट्स होता है 1 byte। तो आंसर आपका किलो बाइट्स, बीट्स, मेगा बाइट्स। तो बताइए कितना बाइट्स, 1 byte इजकल टू कितना 8 होता है बताइए। तो यहाँ पर होगा बी नंबर आंसर बीट, यानी कि 8 bit इजकल टू 1 byte। यानी कोई भी पूछेगा 1 byte इजकल टू क्या होता है, तो आपको बताना है 1 byte इजकल टू 8 bits होता है, यानी कि 8 bit इक्वल टू 1 byte, ठीक है। तो आंसर जो देगा 27 का बी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन का था आपका MS वर्ड हाइज ए, हाँ तो क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन का MS वर्ड हाइज ए रेड मेड गैलरी ऑफ पिक्चर इट इज कॉल्ड। कह रहा है आपका कि MS वर्ड में किस गैलरी में पिक्चर रफ ऑलरेडी आपका रहा था वो बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिएगा एमएस वर्ड का किस गैलरी में आपका पिक्चर रहता है वो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड आर्ट, 2 नंबर का था स्टाइलिश, 3 नंबर का रहा है क्लिप आर्ट। तो आप बताइए कि वर्ड आर्ट या स्टाइलिश या क्लिप आर्ट। तो ऑप्शन 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट एक ऐसा गैलरी है उसमें ऑलरेडी आपका पिक्चर रहता है। अगर स्कूल सर्च करिएगा स्कूल आ जाएगा, कंप्यूटर सर्च करिएगा कंप्यूटर आ जाएगा, रोज सर्च करिएगा क्लिप आर्ट में तो आपका रोज आ जाएगा। तो एमएस वर्ड का ये गैलरी क्लिप आर्ट गैलरी है उसमें ऑलरेडी आपका पिक्चर्स रहता है, ठीक है। इसका 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब आगे कह रहा है आपका देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का था टू क्रिएट ए टेबल इन ए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक द टैब। कह रहा है कि भाई आप क्रिएट करते टेबल एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में तो किस टैब से एमएस वर्ड का, हेलो कॉल कर रहे आधा घंटा में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर था ना, चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपका टू क्रिएट ए टेबल, जो टेबल आप क्रिएट करते किस में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो क्लिक दिस टैब, किस टैब पे आप क्लिक करते हैं
एमएस वर्ड में आप जो अगर टेबल क्रिएट करना हो तो किस स्टेप पर क्लिक करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने दिया हो, बी नंबर दिया इंसर्ट, सी नंबर दिया व्यू, तो आपको बताइए सही बात है, आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इंसर्ट टैब पर अगर क्लिक करते इंसर्ट मेन्यू इंसर्ट टैब पर जैसे आप क्लिक करिएगा वहाँ आपका टेबल ऑप्शन आएगा, टेबल क्लिक करिएगा आप वहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल जो क्रिएट होता है इंसर्ट मेन्यू से, इंसर्ट टैब से, ठीक है। 29 का जो आंसर होगा बी नंबर। अब देखते हैं 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन का था प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आर स्टोरेज आउट साइज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड, कह रहा है कि लार्ज अमाउंट का मतलब बहुत अधिक, अधिक में जो डेटा को स्टोर करना होगा हमको आउटसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, तो भाई कहाँ से कितना हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं वो बताना है, किस डिवाइस में हम स्टोर करते हैं। ए नंबर दिया बैंकिंग, दो नंबर में दिया एलयू यूनिट, सी नंबर दिया कंट्रोल यूनिट, तो डी नंबर में दिया एमयू। तो बताइए लार्ज अमाउंट का मतलब बहुत अधिक अगर डेटा को स्टोर करना होगा तो हम कहाँ पर किस डिवाइस में हम स्टोर करके डेटा को बहुत अधिक में रख सकते हैं बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग के बाद। तो आपका जो बहुत अधिक में अगर डेटा को स्टोर करना होता आउटसाइड बाहर से, अगर आपका सीपीयू से बाहर से अगर स्टोर करना होगा डेटा को तो वो एक बैंकिंग स्टोरेज आता है, उसमें आप डेटा को बहुत अधिक जितना जितना अधिक में आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो बैंकिंग डिवाइस बैंकिंग स्टोरेज में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 31 का आपका ए नंबर, बैंकिंग स्टोरेज उसको बोलते हैं बहुत अधिक से डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगला देखते 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कह रहा है कि जूम जो होता है कितना अधिक तक कर सकते हैं। ए नंबर 200%, 400%, 500%, नन ऑफ दिस। तो बताइए आपका कितना से कितना अधिक हमको मैक्सिमम जूम करना होगा, उसका कितना परसेंटेज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। आंसर हो जाएगा 500, अगर आप जूम करिएगा उस डॉक्यूमेंट को तो वो डॉक्यूमेंट से अधिक जो जूम होगा 500% में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, आपका है 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ व्यू इज नोट परसेंट इज एम एस पावर पॉइंट, कह रहा है कि आपका किस टाइप में हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं प्रेजेंट इन पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट में ऑप्शन ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, स्लाइड। ओह क्वेश्चन आपका कह रहा है 23 नंबर कहते विच टाइप ऑफ व्यू, हम जो पावर पॉइंट में जो देखेंगे स्लाइड पर वो जो शो करेंगे किस पर हम नहीं देख सकते वो बताना है। नॉर्मल व्यू में हम देख सकते हैं, स्लाइड शो में पावर पॉइंट में आप नहीं देख सकते, इसीलिए आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका स्लाइड शो, यानी कि 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि स्लाइड शो में जो होता है पावर पॉइंट पर आप नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन दिखेगा आपका दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विच की इज यूज टू इरेजर द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर इन एम एस वर्ड, कह रहा है कि आप एम एस वर्ड में किन सा कुंजी, की का मतलब होता है बटन, कौन सा बटन, कौन सा कुंजी का यूज करेंगे हम इरेज करने के लिए, अगर एम एस वर्ड में टाइप किया है अगर पीछे का यानी कि लेफ्ट, यानी कि आप जो टाइप करें आपके लेफ्ट साइड को, अगर एम एस वर्ड में लेफ्ट साइड का अगर वर्ड को इरेज करना हो, हटाना हो, तो उसको कौन सा की का यूज करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बैक स्पेस, डिलीट, सी नंबर दिया अल्ट, तो किसका यूज करते हैं अगर आप एम एस वर्ड टाइप किया अपने लेफ्ट साइड को, जो भी है आपको वो लेफ्ट साइड के लेटर को हटाना होगा, रिमूव करना होगा, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं आपका बैक स्पेस का। बैक स्पेस अगर इस यूज करते हैं देखिए आपके लेफ्ट साइड का क्या होगा, वो रिमूव होते जाता है, ठीक है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिखाया है, अगला क्वेश्चन कहता है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड द यूज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विंग, कह रहा है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में हम मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं वो बताना। ए नंबर ऑप्शन दिया है फर्स्ट जनरेशन, बी नंबर कर रहा है सेकेंड जनरेशन, सी नंबर कर रहा है थर्ड जनरेशन, डी नंबर कर रहा है फोर्थ जनरेशन। तो बताइए तो किस जनरेशन के कंप्यूटर में हम मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड द यूज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विंग, कह रहा है किस जनरेशन के कंप्यूटर में हम मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं वो बताना है। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो यूज किस जनरेशन कंप्यूटर में करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो बताइए आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हम क्या करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का आपका यूज किया गया है थर्ड जनरेशन का जनरेशन, ठीक है। 35 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत
चलिए अब अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज नीड रिफर्स, कह रहा है कि मेमोरी का जो आपका रेफरेंस करता कौन करता है, एस रोम रेम डी रेम पी रोम, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 36 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि डी रेम, डी रेम के द्वारा आप उसका मेमोरी को क्या करते रेफर कर सकते रिफ्रेश। अगला आपका देखिएगा 37 नंबर कह रहा है आपका कंट्रोल के साथ पी इज यूज फॉर, कंट्रोल के साथ अगर पी यूज करते हैं उसका यूज किसके लिए करते हैं कंट्रोल के साथ पी, अगर आप कंट्रोल के साथ पी जो शॉर्टकट की होता है अगर वो शॉर्टकट की किसके लिए होता है इसका यूज, अगर आपको प्रिंट आउट निकालना होगा तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करिएगा आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 36 का आपका यही होगा प्रिंट करने के लिए, इसका आंसर देखिए कौन सा होगा आप बताइए, हम तो बता दिए इसका ए नंबर होगा, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए यूज होता है प्रिंट, डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना होगा तो आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करिएगा पी। अगला क्वेश्चन दिखिएगा आपका दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन का था विच इज द लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑफ ओएस, कह रहा है लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल, मोबाइल का एंड्रॉयड जो होता है लेटेस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वो बताना है, तो आपको बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से लेटेस्ट, लेटेस्ट में आपका ए नंबर आंसर होगा रेड वेलवेट केयर, रेड वेलवेट केयर हो जाएगा आंसर, ए नंबर होगा, ठीक है 38 का ए नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस का आपका करेक्ट एग्जांपल कौन सा वो बताना है, ए नंबर मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर, बी नंबर का रहा आपका मॉनिटर प्रिंटर हेडफोन और स्पीकर, सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रेकर बॉल टच पैड माउस, डी नंबर कह रहा है डिस्क ड्राइव पेन ड्राइव, तो बताइए आपका इसमें से एग्जांपल आपको बताना है पॉइंटिंग डिवाइस आपका कौन सा वो बताना है, पॉइंटिंग डिवाइस आपका कौन सा है वो बताना है, ए नंबर बी नंबर सी नंबर डी नंबर कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस आपका ट्रेकर बॉल भी है टच पैड भी है और माउस भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर सी नंबर, ठीक है। चलते अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन कहा था आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एंड्रॉइड नेम एनोदर नेम फॉर ए पेन ड्राइव, कह रहा है आपका पेन ड्राइव का एनोदर नेम, एनोदर नेम का मतलब होता है नया नाम आपका क्या है पेन ड्राइव का वो बताना है, ठीक है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, बी नंबर कह रहा है आपका गीगा स्टिक, सी नंबर कह रहा है थंबल ड्राइव, डी नंबर कहता ऑल ऑफ दिस एवब, ऑल ऑफ द एवब बताइए इसमें से आपका पेन ड्राइव का एवब, पेन ड्राइव का जो होता है इनोदर नया नाम क्या है वो बताना है, पेन ड्राइव का जो नया नाम आपका है उसका आपका थंबल ड्राइव कहते हैं, थंबल ड्राइव भी गीगा स्टिक भी बोलते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दिस, टोटल बोलते हैं पेन ड्राइव को जो होता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलेंगे गीगा स्टिक भी बोलेंगे थंबल ड्राइव भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए 41 देखते हैं अगला, 41 कह रहा है आपका एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल फॉर, एमएस वर्ड का एग्जांपल बताना है इसमें से कौन सा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग डिवाइस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एन इनपुट डिवाइस, तो बताइए एमएस वर्ड का आपका एग्जांपल आपका इसमें से कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है प्रोसेसिंग डिवाइस ये भी नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यही है, एमएस वर्ड का एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है, 42 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि आपका कंप्यूटर का प्रिंट करने के लिए प्रिंट करके जो देगा कंप्यूटर वो उसको क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी पेपर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर जो प्रिंट करके देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी नहीं बोलते, सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पर जो देखते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, कौन सा कॉपी बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। आंसर 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का रहा सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है वो बताना है, मिनी माइक्रो मिनी फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर होता है बताइए, सबसे तेज कंप्यूटर आपका होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विच मेमोरीज इज बोथ स्टिक एंड नॉन वोलेटाइल, कह रहा है
आपका नन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो किसको बोलते वो बताना है, ठीक है। नन वोलेटाइल यानी कि एक रैम होता है दूसरा रोम, रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं और रोम को क्या बोलते हैं, नन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, दो नंबर, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, रोम, रोम का फुल फॉर्म नेम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी को क्या बोलते हैं, नन वोलेटाइल, और रैम को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म नेम क्या चीज होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन का था आपका, व्हाट इज द मिनिमम लिमिटेड ऑफ फ्री कॉल स्टोरेज ऑन गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में स्टोरेज जो होता है वो कितना होता है, मिनिमम लिमिटेड कहाँ तक है वो बताना है। 2 GB गूगल ड्राइव में जो हम स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव पर जो भी डेटा को, उसका जो कितना हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं गूगल ड्राइव पर वो बताना है। 2 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB, कितना जीबी तक स्टोर करने का उसमें रहता है क्षमता। अधिक से अधिक आपका 15 GB तक गूगल ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं डेटा को। गूगल ड्राइव जो भी आप लोग गूगल पे अगर अपने ईमेल पर गूगल ड्राइव में जो भी स्टोर करके रखते हैं डेटा को, वो अधिक से अधिक 15 GB तक रखते हैं। अब 15 GB जैसे अधिक रखिएगा तो उसको आपको ड्राइव वो स्पेस को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरेज को खरीदना पड़ता है, वो साल भर का इतना देता है, देखना पड़ेगा कितना देता है। लेकिन अगर 15 GB तक आप रख सकते हैं, अगर 15 GB से अधिक डेटा है तो आपके पास अगर चाहते हैं गूगल ड्राइव पर रखेंगे तो आपको गूगल ड्राइव परचेज करना होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका कितना नंबर है, 46 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है इसमें, अरे आंसर भी दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पूरा वर्ल्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि MSV शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है एनोदर नेम ऑफ लॉजिक चिप जो होता है उसका नया नाम क्या है वो बताना है। ए नंबर कहता है पीरोम मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर रैम रोम, बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं हम, चिप को अगला भी नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन का था इंटरप्राइजेस इज यूज एज ट्रांसलेटर, यानी कि इंटरप्राइज ट्रांसलेटर के लिए किसका हम यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बोथ ऑफ द एबव, तो बताइए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा। ट्रांसलेटर के लिए इंटरप्राइजेस किसका यूज करते हैं ट्रांसलेटर के लिए वो बताना है, इसमें आ जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है वो ट्रांसलेटर करता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका दिया है 49 नंबर का, ADCA का फुल नेम सब कोई जानते होंगे, ADCA का फुल नेम क्या होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट पार्ट्स ऑफ CPU, कह रहा है कि आपका CPU का कौन सा पार्ट्स इसमें से नहीं वो बताना, प्राइमरी स्टोरेज रजिस्टर कंट्रोल यूनिट LU, तो बताना इसमें CPU का कौन सा पार्ट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट पार्ट्स ऑफ द CPU का कौन सा पार्ट्स इसमें से नहीं, प्राइमरी स्टोरेज है CPU का पार्ट्स है, रजिस्टर नहीं है, कंट्रोल यूनिट भी है, LU है, रजिस्टर होगा आंसर, रजिस्टर ये CPU का कोई पार्ट्स नहीं है, ठीक है, इसका आंसर बी नंबर। और क्वेश्चन है 51 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा, कर द नंबर सिस्टम बेसिक ऑन 0 और 1 ओनली इज नो एज 0 और 1 कौन सा लैंग्वेज हुआ, ये आपके सिस्टम का 0 और 1 ये कौन सा लैंग्वेज वो बताना है, बाइनरी सिस्टम है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बाइनरी सिस्टम है ये आपका 0 1, ठीक है, आपके कंप्यूटर से। ये आपका 50 क्वेश्चन हो गया सेट नंबर 2। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो ये वीडियो में तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या नहीं तो क्लास में ही बोलिएगा, या नहीं तो और लास्ट ऑप्शन क्या है व्हाट्सएप पर अब हमको बताइएगा, और लास्ट ऑप्शन क्या देख सकते, कुछ नहीं। इसीलिए किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, या क्लास एक क्लास में पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेट नंबर 1, 2 भी हो गया, ठीक है, सेट नंबर 2 का भी 2 भी अपलोड हो गया वीडियो, और 3 का भी वीडियो हम कुछ दिन के बाद देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। सेट नंबर 3 के लिए कुछ दिन वेट करिएगा, सेट नंबर 3 का भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज की क्लासेस को यहीं तक रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे अगले दिन, ठीक है।